आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी डिपार्टमेंट अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इतनी आसानी से कैंसिल नहीं करेगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी आप देखो, हमने ना 9 जनवरी को एक एप्लीकेशन डाली कि भैया हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आप वो कैंसिल कर दो। हमने बोला कि भैया हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है 9 जनवरी को आप हमारा कैंसिल कर दो, अब हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या, 15 फरवरी को हमारे पास चिट्ठी आई और चिट्ठी में क्या कहते हैं कि भाई हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे भैया? तो उन्होंने कहा पहले ना हमारे को ये सारी डिटेल दे दो तब हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। ये कह रहे हैं कि हमने क्या करा है, क्लैरिफिकेशन मांगी है। द डिपार्टमेंट हैज एग्जामिन योर एप्लीकेशन एंड इज़ नॉट सेटिस्फाई। और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ किस रीजन की वजह से? पहला रीजन तो कह रहा है कि भाई साहब काइंडली अपलोड द कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, कि आप जो है ना बैलेंस शीट की कॉपी लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगाओ। तो भैया कौन से पीरियड की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस लगाना है, क्योंकि हम तो इसे कैंसिल कर रहे हैं 15 फरवरी 2024 को। तो अब आप बताओ फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बैलेंस शीट लगानी है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की लगानी है? अगर आप कहते हो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की लगानी है तो भाई बैलेंस शीट तो अभी बनी नहीं है, हमें जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है, हमारी टर्नओवर 20 लाख से 40 लाख से कम हो गई, अब हम कैंसिल करा रहे हैं तो हम बैलेंस शीट कौन सी लगाएं आपको, पहले तो आप हमें ये वाली चीज़ बताओ। इसके अलावा अगर आप कहते हो पिछले साल की लगाओ बैलेंस शीट, तो भाई पिछले साल की कौन सी लगाएं, पिछले साल में तो हम लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, आज नहीं है। इसके अलावा क्या कहते हैं, 26AS लगाओ और TDS की स्टेटमेंट लगाओ, कि मतलब हम चेक करेंगे कि तुम्हारे 26AS में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर 26AS में पैसा आ रहा होगा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। फिर कहते हैं जी परचेज एंड सेल बिल लगाओ, कितने परचेज के बिल लगाएं, कितने सेल के बिल लगाएं जी। इनपुट एंड सेल रजिस्टर लगाओ, भैया वो सारी डिटेल तो पोर्टल पर रहा है आपकी इनपुट और सेल्स की। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर लगाओ, भैया हम तो सर्विस प्रोवाइडर है, कहाँ से स्टॉक रजिस्टर लगाएं। उसके बाद GR की कॉपी लगाओ, ई वे बिल लगाओ, आज तक हमने ई वे बिल बनाया ही नहीं है। तो भैया इन्होंने ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया है और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को चेप देते हैं अगर कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालता है। तो क्या सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा? आंसर इज़ नो। आपको जाना पड़ेगा ये सारे पेपर लेकर, आपको जाना पड़ेगा ये सारे पेपर और आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा सेक्शन 29 को, क्योंकि सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 ये कहता है कि भाई अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो जितना तुम्हारे पास स्टॉक है, जितने तुम्हारे पास कैपिटल गुड्स है, उन सब का ITC आपको रिवर्सल करना है। तो सर ये रिवर्सल तो मैं जो मेरी फाइनल रिटर्न होगी मैं उसमें कर दूंगा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बाद? नहीं भाई, ये वाली सारी चीज़ आपको डिपार्टमेंट को जाके बतानी होगी तभी वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, अदरवाइज वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। तो आज के टाइम पर रजिस्ट्रेशन लेना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना है, क्योंकि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो रजिस्ट्रेशन आपको दिया है अगर आपने उसमें कभी भी ITC क्लेम करा है तो वो ITC को रिवर्स कराएगा जितना भी आपका रजिस्ट्रेशन की डेट पर है। सर ये वाली बात कहाँ लिखी है? ये वाली बात लिखी है सेक्शन 29 में। तो सर सेक्शन 29 कैसे पढ़े, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें अर्जुन कोर्स में एनरोल करा लो, अर्जुन कोर्स में आपको डिटेल सारी मिलेगी। और हाँ, अगर इनकम टैक्स सीखना चाहते हो तो हमारा एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। क्या इतनी डिटेल मांगना, क्या इतनी डिटेल मांगना GST कैंसिलेशन के समय ठीक है या नहीं? आप मेरे से GST कैंसिलेशन के समय सिंपल ये मांग लेते कि भैया आपकी जो ITC रिवर्सल करने वाली बात है, कितना ITC लिया, कितना रिवर्स कर रहे हो, कोई क्लोजिंग स्टॉक में है या नहीं है, आप ये दे दो तो बात समझ आती। भैया अगर मेरी टर्नओवर क्रॉस कर रही होगी तो मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों कराऊंगा? आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से इतनी सारी डिटेल मांगना परेशान करने वाली बात है। आपका क्या व्यू है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद जी, थैंक यू।